कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी की थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड आज ही इसका लास्ट लेक्चर होगा, आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी का हो गया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि आपको फंक्शन ऑफ एक्स ये गिवन है, कंडीशंस क्या क्या है कि अगर लिमिट एक्स की लिमिट कहाँ वेरी करेगी, 0 to 1 पे वेरी करेगी, तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स होगा। अगर लिमिट आपकी यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो 1 से तो कैसी होगी, बड़ी होगी, बट 2 से छोटी होगी, उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ एक्स क्या लोगे आप, 2 - x लोगे। एंड अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या लोगे आप, 0 लोगे। तो तीनों ही कंडीशन में आपको फंक्शन अलग अलग दिए हुए हैं कि क्या होंगे और आपको क्या निकालना है, इस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, साइन ट्रांसफॉर्म आपको मैं निकाल के बता रही हूँ, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप लोग अपने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करोगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, फंक्शन ऑफ एक्स का क्या निकाल रहे हैं हम, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2/π इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू साइन px इनटू dx, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब लिमिट जो होती है फॉर्मूले में वो 0 to ∞ होती है, तो हमें लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, जो हमें कंडीशंस गिवन है। तो अंडर रूट 2/π का आपका एज इट इज रहेगा। अब आप टर्म्स देख लीजिए कि आपकी जो लिमिट होगी वो सबसे छोटी जो वैल्यू है एक्स की वो क्या है, 0। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से तो क्या हो, बड़ी हो, और किससे छोटी हो, 1 से छोटी लो। यानी कि अगर हम लिमिट लेते हैं 0 to 1, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो लोअर लिमिट होती है वैल्यू उससे तो बड़ी होगी और अपर लिमिट से छोटी होगी। तो उस कंडीशन में देखना जरा, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना गिवन है आपको, एक्स गिवन है। तो यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन में आप क्या लोगे कि लिमिट कैसी होनी चाहिए, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो आप सेकंड वाला फंक्शन लोगे और लिमिट क्या ले लोगे, 1 to 2। यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी। अब इस कंडीशन में देखना, फंक्शन ऑफ एक्स कितना गिवन है आपको, 2 - x गिवन है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 - x sin px * dx, प्लस थर्ड फंक्शन देखोगे कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, तो जी 2 से तो बड़ी होगी लेकिन किसी से छोटी भी तो होगी, तो लिमिट हमारी कहाँ पे जाके एंड होगी, इनफिनिटी पे, यानी कि इनफिनिटी से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x कितना गिवन है आपको, 0 गिवन है। तो लास्ट वाला जो फंक्शन है ये तो आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इट मींस इन दो फंक्शंस को लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अंडर रूट 2/π, ये आपके दो फंक्शंस बन रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन करोगे किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, इनवर्स फंक्शन नहीं है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, हाँ जी अलजेब्रिक फंक्शन तो है, तो इट मींस इसको तो आप मानोगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लोगे, सेकंड फंक्शन ऐड करोगे। तो कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन। तो साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, cos px, और x का कोफिशिएंट कितना है, p, तो वो कहां जाएगा, अपॉन में। तो एक तो आप इसकी लिमिट रख लोगे कितनी, 0 to 1, फिर माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 1, साइन px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, cos px, अच्छा ये माइनस के आएंगे, कैसे आएंगे, माइनस के, ठीक है। तो माइनस के आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय p * dx, और लिमिट कितनी चलेगी इसकी, फिर से 0 to 1, क्योंकि फिर से कंप्लीट का इंटीग्रेशन होता है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस पहले इनको आप सेपरेट कर लीजिए,
एक बार 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा बच्चे इसमें एक और चीज बैठेगी, चलो सॉल्व भी कर लो। तो ये आपकी टर्म आ जाएगी लिमिट 1 टू 2 2 sin px माइनस x इनटू sin px एंड इनटू में कितना है dx है, और लास्ट फंक्शन जो है वो आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार पहले इतना करिए। सो यहां से आगे देखिएगा टर्म आ जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन पाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, x के प्लेस पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के cos p अपॉन p। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद में आएगा प्लस साइन cos px का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा sin px डिवाइडेड बाय p है और इनटू में फिर से p आएगा तो टर्म कितनी हो जाएगी p स्क्वायर, और इसके लिए लिमिट कितनी चलेगी 0 टू 1। फिर प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, sin px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा माइनस के cos px, तो प्लस माइनस माइनस cos px एंड डिवाइडेड बाय p, और इसके लिए लिमिट कितनी चलेगी 1 टू 2। फिर माइनस साइन x sin px में इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का करोगे आप इंटीग्रेशन तो कितना आएगा cos px, और वो भी माइनस के आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी ध्यान रखना ये बाहर था माइनस कंप्लीट से, तो इसकी अंदर वाले माइनस में भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म भी कैसी आएगी प्लस की, और इसके लिए लिमिट कितनी चल रही है 1 टू 2। जब आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो प्लस के कितना आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू 2, sin px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के cos px, और माइनस माइनस प्लस होगा फिर से। ठीक है, समझ में आई बात कैसे, क्योंकि माइनस पहले भी था और एक माइनस बाहर वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। sin px का करोगे तो कितना आएगा cos px डिवाइडेड बाय p, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके फिर से माइनस आ जाएगा और इनटू में कितना है dx। अब इसका डायरेक्टली मैं यहीं पे करके दिखा दूं आपको दोबारा से इंटीग्रेशन, cos px का करोगे कितना आएगा sin px upon p, यानी कि ये टर्म सॉल्व होगी कितनी आ जाएगी sin px डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, और लिमिट कितनी लोगे आप इसके लिए 1 टू 2 लोगे। ठीक है, अब यहां से आगे इसको सॉल्व कर देंगे √2 upon pi माइनस cos p डिवाइडेड बाय p, अपर लिमिट पुट करोगे टर्म कितनी बनेगी sin p upon p स्क्वायर, फिर माइनस साइन अपर लिमिट पुट करोगे कितना आएगा 2 cos 2p डिवाइडेड बाय p, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 cos p डिवाइडेड बाय p, फिर प्लस अपर लिमिट पुट करोगे कितना आएगा 2 cos 2p डिवाइडेड बाय p, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा cos p डिवाइडेड बाय p, इसमें आप अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस के साइन 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन p अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आगे इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो टर्म ऐड हो रही है उनको ऐड करोगे, जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दोगे। देखिए कैसे ये माइनस के cos p / p है और ये भी माइनस के हैं, तो दोनों ऐड हो गए कितने हो जाएंगे माइनस के 2 cos p / p, और ये कितने हैं प्लस के 2 cos p / p है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इससे ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद में आप और कोई सी टर्म देखिए, माइनस के 2 cos 2p / p है, ये प्लस के 2 cos 2p / p है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म सेम है ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी रूट 2 अपॉन पाई, इन दोनों को ऐड करोगे 2 साइन पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस साइन 2 पी है, साइन 2 पी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके प्लेस हम क्या लिख देंगे 2 साइन पी इंटू कॉस पी और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखना यहाँ पे भी 2 sin p upon p square है, यहाँ पे भी 2 sin p upon p square है, तो क्या हम इसको बाहर कॉमन लिख सकते हैं, तो टर्म आ जाएगी 2 into root 2 upon pi sin p upon p square, और into में देखना यहाँ से तो कितना बचेगा 1 minus, यहाँ से complete टर्म हमने कॉमन ले ली तो अंदर कितना बचेगा cos p and that is our required answer। ठीक है जी, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है, बिकॉज़ इसमें आपसे क्या कहा है साइन और
कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको निकाल ले। साइन ट्रांसफॉर्म मैंने निकाल के दिखा दिया, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको अपने आप निकालना है। क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे आपके कवर करेंगे, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आपको घर से कर लेना है। नोट करिए एक बार। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मेरठ में पूछा गया है 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, साइन ट्रांसफॉर्म इससे पूछता है। तो फर्स्ट लाइन आप लिख दोगे, वी नो दैट द साइन ट्रांसफॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, तो क्या होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एस एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स इनटू साइन px into dx, cos वाले में क्या आ जाता है, बस यहाँ पे cos आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट्स इन्होंने ब्रेक की हुई है, किस किस में, 0 टू a में। अगर लिमिट क्या लोगे आप, 0 टू a लोगे तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट फंक्शन ही आपका 0 हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, अगर लिमिट कितनी लेते हो आप, a टू b लेते हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x कितना होगा, x होगा into sin px into dx। फिर लास्ट है कि अगर आपकी लिमिट b टू इंफिनिटी होती है, यानी कि b से बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है आपका, 0 होता है। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट फंक्शन तो क्या हो जाएंगे आपके 0, सो ओनली सेकंड वाला फंक्शन बचेगा। तो सेकंड वाले फंक्शन के लिए आप लोग सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो कर दीजिए क्वेश्चन को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, cos px वो भी माइनस के डिवाइडेड बाय p, इसके लिए लिमिट लोगे a टू b, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, साइन px का इंटीग्रेशन करोगे तो cos px डिवाइडेड बाय p, और ये कैसा आएगा माइनस का, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिमिट कितनी चलेगी a टू b चलेगी, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, सॉल्व कर दीजिए, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे कितना आएगा, cos bp डिवाइडेड बाय p, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस a cos ap डिवाइडेड बाय p, प्लस इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, sin px अपॉन p, sin px डिवाइडेड बाय p, और इसके लिए लिमिट भी कितनी चलेगी a टू b चलेगी, ठीक है जी। तो एक बार यहां से ऊपर देख लीजिएगा, यहां से देखिए टर्म आ जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन पाई माइनस बी इनटू कोस बीपी डिवाइडेड बाय पी प्लस ए कोस एपी डिवाइडेड बाय पी प्लस, इसमें आप अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, साइन bp डिवाइडेड बाय p माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा, sin ap डिवाइडेड बाय p आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे p ऑलरेडी है, जब आप cos px का इंटीग्रेशन करोगे तो sin px आएगा और अपॉन में p भी तो आएगा, तो p की p में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टर्म कितनी आएगी, p स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स है क्या आएगी, p स्क्वायर आएगी। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ऊपर से कितना आ जाएगा a cos ap और यहां से कितना आएगा माइनस के b cos bp प्लस, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दोगे कितना आएगा, sin bp माइनस sin ap डिवाइडेड बाय p स्क्वायर एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, इस फंक्शन का क्या निकालना है आपको, साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फर्स्ट लाइन आप लिख दोगे, वी नो दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, क्या होता है, एफ ऑफ एस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी फंक्शन dx, but function of x आपको given क्या है, ये वाली term, तो function of x के place पे आप ये वाली term put करोगे, तो आपके पास में value क्या आ जाएगी, root 2 upon pi integration limit 0 to infinity e to the power ax plus e to the power minus ax divided by e to the power pi x plus e to the power minus pi x, बात आती है sin px की,
सेम ऐसे अब आप पहले किसमें मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म देखना आपके पास में क्या जाएगी। जब आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। इसको सॉल्व करोगे e टू दी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के ए प्लस आई पी और इन टू में कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स किसमें मल्टीप्लाई करोगे, e टू दी पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के ए प्लस आई पी इन टू x और डिवाइडेड बाय ये भी कितना रहेगा e टू दी पावर पाई एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स एंड इन टू में आ जाएगा dx। ठीक है, इन दोनों फंक्शन के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। समझ में आई थी बात। अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आप माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो ये टर्म तो आपकी प्लस की हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनस की। यानी कि यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी आपके, माइनस के ए माइनस आई पी इन टू एक्स। अब एक बात, ये डिनोमिनेटर सेम है अगर इनके तो क्या होगा, आपका नीचे वाले टर्म तो आपके फॉर्म में रह जाएंगे और ऊपर वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, सभी ऐड हो जाएंगे। तो क्या हम इनको चेंज करके नहीं लिख सकते, हम इनको चेंज करके नहीं लिख सकते। एक बात बताइए, जब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसी भी टर्म को किसी के भी साथ में ले लें। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कितना है, ए प्लस आई पी वाली टर्म है तो हम इसके साथ में क्या ले लेते हैं, ए प्लस आई पी वाली टर्म ही ले लेते हैं ताकि हमारी ए की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अब आप देखोगे ए प्लस आई पी इन टू एक्स यहाँ पे भी है और ये तो माइनस वाले दोनों टर्म है, ए प्लस आई पी इन टू एक्स यहाँ पे भी, तो हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को तो साथ में लिख सकते हैं। तो समझिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे माइनस ए प्लस आई पी इन टू एक्स और ये वाली जो टर्म है आपकी सेकेंड वाली टर्म, यहाँ पे जो टर्म थी उसको हम यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस के आई पी इन टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इस टाइप से आपके दो फंक्शन बनेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। इसमें अगर आप देखोगे तो e टू दी पावर ए एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस ए एक्स वाली फॉर्म बनेगी, इसमें भी e टू दी पावर ए एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस ए एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी। समझे, इस बात को ध्यान से समझ लेना। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई पहले तो हमने इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दी, इसमें कर दी, उसके बाद में हमने इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, पहले इसकी इसमें करी और इसकी इसमें करी, जो भी फंक्शन आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में कर दी, यानी कि इसकी इसमें और इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, तो हमारा नेक्स्ट वाले फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, एक फंक्शन आपके पास में ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दोनों का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। और हमें एक वैल्यू पता है क्या, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी e टू दी पावर ए एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय e टू दी पावर पाई एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय 2 इंटू टेन ए बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो इंटीग्रल होता है ये कैसा होता है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल की कंडीशन से आया है, बाय डेफिनेट इंटीग्रल ये वैल्यूज होती है किसकी इक्वल होती है, 1 अपॉन 2 टेन ए बाय 2 के इक्वल होती है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमें क्या निकालना है, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फॉर्मूला ये होता है, फंक्शन ऑफ एक्स के प्लेस में हमने ये लिख दिया, साइन पी एक्स को हमने इस वाली फॉर्म में ओपन करके लिख दिया, देन हमने क्या किया, पहले फर्स्ट फंक्शन की मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन में कर दी, तो ये वाली टर्म आ गई, फिर फर्स्ट जो आपके पास सेकेंड फंक्शन था उसकी मल्टीप्लाई फोर्थ फंक्शन में कर दी, तो ये वाली टर्म आ गई। अपॉन में डिनोमिनेटर आपका सेम है तो एक बार इसके अपॉन में आएगा, फिर सेम दूसरी के टर्म के अपॉन में आएगा, तो हमने क्या किया, पहले इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और फिर इसकी इसमें कर दी, तो आपके पास में सेकेंड वाली टर्म आ गई और फिर उसमें से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो आपकी टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमें पता है बाय डेफिनेट इंटीग्रल ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, 1 बाय 2 टेन ए बाय 2 के इक्वल होती है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई कर दोगे। तो ध्यान से देखना कि वैल्यू क्या बनेगी, वन अंडर रूट टू अपॉन पाई आपका बाहर कॉमन था, 1 अपॉन 2 आई ये वाली टर्म आपकी बाहर कॉमन थी, अंदर जो हमारा इंटीग्रल था वो हमारा एक बार था, फिर माइनस फिर दोबारा से इंटीग्रल बन रहा था। तो अगर आप फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए देखो, यहाँ से रफ हो गया, तो फर्स्ट वाले फंक्शन में ए की वैल्यू क्या थी, ए प्लस आई पी इन टू एक्स ये वाली टर्म बन रही थी, ए टू दी पावर ए प्लस आई पी इन टू एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस ए प्लस आई पी इन टू एक्स अपॉन ए टू दी पावर
टेन ए के प्लेस में कितना आ जाएगा, ए प्लस आई पी डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे जब आप सेकंड फंक्शन के लिए लोगे तो माइनस साइन आएगा, बिकॉज बीच में माइनस था, उसमें टर्म क्या थी, ए माइनस आई पी था, तो दूसरे के लिए क्या बनेगा फंक्शन, वन अपॉन टू टेन ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। चलिए अब इसको किस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसको ब्रेक करिए कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस आई पी बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस आई पी बाय टू, फिर माइनस साइन वन अपॉन टू। देखिए वन अपॉन टू इसमें भी इसमें भी है, तो क्या वन अपॉन टू बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से भी लीजिए, जब आप वन अपॉन टू बाहर कॉमन ले लोगे तो टर्म कितनी हो जाएगी, वन अपॉन फोर आई हो जाएगा, माइनस यहां से टर्म कितनी आ जाएगी, साइन ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू अपॉन कॉस ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए वन अपॉन फोर आई अंडर रूट टू अपॉन पाई। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे इस किस में मल्टीप्लाई, इस किस में, इन दोनों की आपस में, तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस आई पी डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू, फिर माइनस साइन आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस आई पी, सॉरी ये वाले टर्म है आपकी, साइन ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस ए प्लस आई पी डिवाइडेड बाय टू एंड कंप्लीट की अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, कोस ए प्लस आई पी डिवाइडेड बाय टू इंटू कोस ए माइनस आई पी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए इंटू कोस भी, बट फॉर्मूला में हमें क्या पता है, क्या होता है, टू साइन ए इंटू कोस भी, टू कोस ए इंटू कोस भी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले टर्म में भी, यानी कि किसी भी इक्वेशन में जब हम छेड़खानी करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में करते हैं, कभी भी हम इक्वेशन को डिसबैलेंस नहीं कर सकते, तो अगर हमें टू से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें टू से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो टू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा टू में, और ये भी आपका फंक्शन टू में बनेगा, टू से जब आप नीचे डिवाइड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इन टू में टू आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले ओपन करोगे, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, टू साइन ए इंटू कोस बी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है, और बात करें टू कोस ए इंटू कोस बी की तो ये किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। दोनों ही फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो साइड में नोट कर लेना, एक बार पहले इतना कीजिए। चलिए यहां से आगे देखिए, फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो टर्म आएगी वन अपॉन फोर आई अंडर रूट टू अपॉन पाई, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो साइन ए प्लस बी, तो टर्म कितनी आ जाएगी, साइन ए प्लस बी, इन दोनों का आप एड करोगे तो देखना डिनोमिनेटर आपके सेम है, आई पी से आई पी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा टू ए, टू ए बाई टू, तो टर्म कितनी आएगी ए, यानी कि साइन ए आ जाएगा, फिर प्लस साइन साइन ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए प्लस आई पी बाई टू माइनस ए माइनस आई पी बाई टू, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, ए प्लस आई पी माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस आई पी बाई टू, तो ए से आपका ए कैंसिल आउट, आई पी ऐड होगी कितने हो जाएंगे, ये टू आई पी डिवाइडेड बाई टू, टू से आपका टू कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आई पी, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, साइन आई पी आ जाएगी, क्लियर है ये बात। उसके बाद में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस साइन एज इट इज, साइन ए प्लस बी, इस टर्म को इस टर्म को आप ऐड करोगे तो आई पी से आई पी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ए बाई टू, यानी कि कितनी आ जाएगी टर्म, साइन ए माइनस बी, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टर्म में माइनस की आएगी, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो देखना जरा दोनों टर्म कैसी हो जाएंगी, आपकी माइनस की हो जाएगी, तो ए से तो आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आई पी आई पी जुड़ के कितना हो जाएगा टू आई पी, और वो भी कैंसिल होंगे आपके माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन आई पी एंड डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, एक सेकंड रुकिए जरा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे टू कॉस ए इनटू कॉस बी का, तो टर्म कितनी आ जाएगी,
ये वाली टर्म्स आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 2, यहाँ से देखना रूट 2 से आपका 2 कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स, तो टर्म आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2 पाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो यहाँ से अगर आप देखो माइनस आई साइन आई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक पी, बिकॉज यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या गिवन है आपको पी गिवन है, तो कितनी आ जाएगी टर्म साइन हाइपरबोलिक पी। और अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट।